आजकल सबसे कॉमन जो बीमारी हम ओपीडी में देखते हैं, स्पेशली इन ऑफ्थाल्मिक ओपीडीज, वो है डिजिटल आई डिजीज या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अब ये होता इसलिए कि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम या तो पूरा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं या हमारा स्क्रीन टाइम बीट कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स बहुत ज़्यादा हो गया है। कुछ कुछ प्रोफेशनली भी लोग अपने कंप्यूटर्स पे 8 से 10 घंटे गुजारते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले तो एक रेगुलर आई चेकअप की ज़रूरत है, जिसमें कि अगर आपका जो भी नंबर है वो आपको लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो आई मसल्स हैं वो स्ट्रेन ना हो और वो थके। दूसरा, एक एडिक्वेट लाइटिंग की ज़रूरत है, जो स्क्रीन है वो एक एडिक्वेट डिस्टेंस पे होनी चाहिए, साथ ही उसका कलर और सैचुरेशन उतना रखें जितना कंफर्टेबल हो, ब्राइटनेस और सैचुरेशन इतना ज़्यादा ना बढ़ा दें कि वो आंखों में चुभने लगे। दूसरी चीज़ है, एक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। इसे हम 20-20-20 रूल कहते हैं कि हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए एक ब्रेक लें और 20 फुट दूर लगी एक चीज़ को देखें। इससे क्या होगा कि जो हमारी आई की मसल्स हैं, जो पास का काम करते करते थक गई हैं, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये अगर आप फॉलो करते हैं, साथ ही थोड़ा सा अपना वाटर इनटेक भी बढ़ाएं, तो अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो हमारा जो आई स्ट्रेन है वो काफ़ी हद तक अपने आप ही ख़त्म हो जाता है।